नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। निर्माण दिन पुलिया में लगाया जा रहा है पुराना सरिया और रिसर्ची अधिकारी बिश्नोई नहीं दे रहे हैं ध्यान। कुछ देर के लिए लोगों ने रुकवाया काम। अनूपगढ़ शहर के भगत सिंह चौक के पास मुख्य सड़क को जोड़ते हुए बन रही है पुलिया का निर्माण कार्य शहर के जागरूक लोगों ने रुकवा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी शहरियों ने बताया कि पुलिया का निर्माण निर्धारित जी सैंडलियों में तय मानकों पर नहीं हो रहा है और इसमें जो लोहे के सरिये लगाए जा रहे हैं वह पुराने और कुछ तो ऐसे हैं जो पुरानी पुलिया को तोड़ने से निकले हैं। उन्हीं को इस निर्माणाधीन नई पुलिया में बेखौफ होकर संबंधित ठेकेदार के द्वारा दिन के उजाले में लगाए जा रहे हैं। मौके पर लोगों के द्वारा लगाए गए पुराने सरिये की गिनती की तो वह लगभग 25 थी। इतना कुछ होने के बाद भी देर शाम तक संबंधित ठेकेदार के मजदूरों के द्वारा निर्माण कार्य जारी है और वहीं जंग खाए हुए पुराने सरिया बेखौफ होकर लगाए जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई, जो कुछ समय पूर्व स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा APO कर दिए गए थे और माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश मिलने के बाद पुनः अनूपगढ़ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वह भी ऐसे घटिया निर्माण कार्यों की जांच नहीं कर रहे हैं और शहर के लोगों के द्वारा कई बार EO को ऐसे घटिया निर्माण कार्यों से संबंधित जांच हेतु लिखित में मांग पत्र भी दिए जा चुके हैं, परंतु इस ओर अधिशासी अधिकारी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 15 वर्षों के बाद अनूपगढ़ शहर की जनता ने पूरा बहुमत देकर कांग्रेस को हटाकर भाजपा का वोट बनाया ताकि कुछ सुधार हो सके और निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण शहर में हो, परंतु शहरवासी अपने आप को ठग्गा सा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस बोर्ड में जो सिस्टम चलता था वही सिस्टम भाजपा बोर्ड में भी चलता हुआ आमजन को लग रहा है।